आज मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, झटपट आलू की भुजिया। आपके पास टाइम कम है, फौरन से तैयार हो जाएगी आपको। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये दो दरमियाने साइज के आलू हैं, एक दरमियाने साइज का टमाटर है, और इसके अलावा जो है इसमें एक चम्मच जो है आपके पास, एक टीस्पून जो है ना आपके पास, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च है, 1 टीस्पून है, ठीक है। और ये हाफ से भी कम जो है वो क्वार्टर कह लें टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, और ये आधा चम्मच, आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें नमक है, और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। इसमें जो है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 से 5 काली मिर्च साबुत, और 2 लौंग है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तवे के ऊपर। इस पर हमने झटपट इसको जो है वो रेडी कर लेना दम पर। तवे के ऊपर बनेंगे, स्पेशल रेसिपी है और झटपट तैयार होंगे। इसमें हमने कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप लेना चाहें इसमें आप ले सकते हैं। इसमें हमने 2 जो है वो सर्विंग स्पून जो होते हैं वो लिए हैं हमने, वो 2 सर्विंग स्पून आपके पास हैं इसमें ऑयल या घी के। इसमें हमने सबसे पहले इसमें आलू ऐड करने हैं, ये जो हमारे पास छोटे छोटे स्लाइसेस में बारीक काटना है अपने, ठीक है। और इसमें ये ऐड करने के बाद हम इसमें तमाम जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें शामिल करके और इसको दम पे रख देंगे। 7 से 8 मिनट का इसका दम होगा। आप देखिएगा ये कितने जो है वो टेस्टी और कितने लजीज बनते हैं, आपको पसंद आएंगे। चाहें तो आप नाश्ते में आप चाहें इसको लें, या बच्चे जो है वो उनको सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं होती, आलू शौक से खाते हैं, तो वो उस वक्त आप इसमें कुछ ये इसके अंदर जो है ये तमाम जो है ये मसाले जो हैं इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद दरमियानी आँच से ज़रा कम आपके पास जो है वो चम्मच होगा, दरमियानी आँच से ज़रा कम जो है आपके पास ये इसका फ्लेम होगा। अब आपने जो है इसमें 1/2 कप जो है इसमें पानी का ऐड कर देना साथ ही, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको किसी कवर कर देना है और 7 से 8 मिनट के लिए इसको हमने ढक्कन पे रखना है, और उसके बाद देखिएगा कि ये आके तकरीबन तैयार हो चुकी होंगी। ये 7 से 8 मिनट के बाद मैंने आके देखा है आलू, ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं, ठीक है, ये रेडी हो चुके हैं हमारे। अब 5 मिनट में भी हो जाते हैं, अब डिपेंड करता है आपके आलू कैसे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, इन्होंने घी छोड़ दिया हुआ है। 5 इंच की हमने दरमियाने से भी ज़रा हल्की रखी थी, ऊपर से सिर्फ 1 नींबू जो है वो मैंने इसके ऊपर निचोड़ना है। ये देखिए ऊपर से 1 नींबू डाल देंगे हम, ठीक है। और साथ जो है हमने, और साथ में जो है ये एक थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्चें कटी हुई बारीक ये हमने डाल दी, बस ये अभी रेडी है। अब आप जो है मैं इसको ट्राई कीजिए, पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फातिमा फूड एंड व्लॉग्स को, और इंशाल्लाह आपके हर रोज़ आपके पास एक नई रेसिपी आएगी और आपको सही जायका जो सही देसी असली जायका जो है वो आपको मिलेगा। इसमें झटपट भी आपके पास जो है वो आलू फौरन से तैयार हो जाएंगे, आपके पास टाइम कम है, आप 10 मिनट में आप रेडी कर सकते हैं। बाय।